जनाबे हसीब मंसूरी साहब जिस वक्त अपना कलाम पेश कर रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मदीना हमसे, हम मदीने से करीब तर होते जा रहे हैं। सारा मजमा इसको दीवानगी का एहराम बांधे हुए मदीने की नूरी गलियों का तवाफ कर रहा है। अर्शी फरिश्ते मचल मचल के दरे रसूल का बोसा दे रहे हैं और मद्दाहे रसूल को मुबारकबादी पेश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पढ़कर नबी की नाद मुकद्दर जगा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। अरे काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। अब आइए दोस्तों, ये माइक उस शायर के हवाले होने वाला है जो नाजिशे चमन है, माहिरे फिक्रो फन है, अपने आप में एक अंजुमन है जिसके नाम का ऐलान मुशायरों में जलसों में कर दिया जाए तो सामईन के होठों पे खेलती हुई मुस्कुराहटों में इजाफा हो जाता है। जिसके नाम को किसी इश्तिहार में शाया कर दिया जाए तो उस तारीख का इंतजार लोग महीनों करते रहते हैं। वो नाम कोई और नहीं बल्कि वो नाम जनाबे ताबिश रिहान का है। इस वक्त में जनाबे ताबिश रिहान साहब से गुजारिश करना कि आप तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। इस्तकबाल करता हूं इन चार मिसरों के साथ कि इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, वहीं से अर्श का जीना दिखा के ले आऊं, और खुदाया इतनी नवाजिश मेरी गरीबी पर मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। अस्सलामु अलैकुम हजरात, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस अपनी माँ और बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर्दी की इस रात में आप अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के मिल बैठने को कबूल फरमाए। दोस्तों, हालात हमारे सामने हैं और आज का ये प्रोग्राम इसलिए बाकी रखा गया क्योंकि कोई दुनियावी मजलिस नहीं थी, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस थी। ऐसे मौके पर प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं और हमें उलमाए किराम की ज़बानी बातें मालूम होती हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, गम मनाना है तो किस हद तक मनाना है, और समझिए कि एक तरह से साले सवाब भी मरहूम के लिए हो जाएगा। ये बाबरकत मजलिस है। आइए मैं उस नौवियत से भी इंशाल्लाह मैं कलाम पेश करूंगा, लेकिन अभी मैं आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ समाप्त हूँ मैं मतलब समाप्त हूँ मैं नुमान अफजल साहब देखें देखेंगे मतलब اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين। खास तौर से आज एक कलाम पेश करूंगा और बिल्कुल हालात के मुनासिब से वो कलाम होगा। सलात कि शरफ तैबा को बख्शा है नबी ने, कैसे शरफ बख्शा है समात फरमाए कि शरफ तैबा को बख्शा है नबी ने, कदम अपना जो रखा है नबी ने, शरफ तैबा को बख्शा है नबी ने, कदम अपना जो रखा है नबी ने। और ये भी शेर डॉक्टर शमीम रामपुरी पुरी साहब दामत बरकातुम के हवाले से समाप्त फरमाए कि सहाबा मोतबर कैसे न होते, सहाबा मोतबर कैसे न होते। भाई तशरीफ फरमाए, मेरी अभी नजर पड़ रही है, अल्लाह पाक सलामत रखे मेरे अकरम भाई को, समाप्त फरमाए कि सहाबा मोतबर कैसे न होते, सहाबा मोतबर कैसे न होते, सलीका उनको बख्शा है नबी ने, सलीका उनको बख्शा है नबी ने। बिलखुसूस माँ और बहनों के हवाले से ये शेर, उनकी दुआएं चाहते हुए समाप्त फरमाए कि है जन्नत माँ के कदमों के नीचे,
जन्नत माँ के कदमों के नीचे, है जन्नत माँ के कदमों के नीचे। ये था एक राज खोला है नबी ने, कदम अपना जो रखा है नबी ने। और ये भी शेर बिलखुसूस समाप्त फरमाए कि इसी से उनकी अजमत को समझ लो। किनकी अजमत को? बात आगे आ रही समाप्त फरमाए कि इसी से उनकी अजमत को समझ लो, इसी से उनकी अजमत को समझ लो। उमर को रब से मांगा है नबी ने, उमर को रब से मांगा है नबी ने, उमर को रब से मांगा है नबी ने। माशाल्लाह माइक बहुत अच्छा चलने लगा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक नाते पाक की और चंद बंद, उसके बाद भाई हजरात मैं चाहता हूँ सीधे सीधे वो कलाम। हर इंसान को मौत का मजा चखना है। जब हम किसी अपने मोमिन भाई को दफन करते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, मिन्हा खलकना को वफिया नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन नुखरा। मैं मुखड़ा पेश कर रहा हूं समाप्त हूं मैं कि मिन्हा खलकना को वफिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन नुखरा। मिन्हा खलकनाकुम, इको हल्का सा कम करें ताकि लोगों को आवाज समझ में आए कि मिन्हा खलकनाकुम वफिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन नुखरा। खाक से पैदा हुए, खाक में जाना भी है, खाक से पैदा हुए, खाक में जाना भी है, खाक ही से हम सभी को फिर उठाया जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम वफिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन नुखरा। और यहां से बंद समाप्त फरमाए नकीब नजीम मुशायरा के हवाले से बंद कि एक दिन जाना भी है, माल दौलत छोड़ कर कोई भी हो बिल यकीन सब से रिश्ता तोड़ कर, कोई भी महबूब हो साथ जाएगा नहीं, लौट जाएंगे सभी अपने मुंह को मोड़ कर, पास रब के सिर्फ तन्हा ही ये बंदा जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम वफिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन नुखरा। और किस चीज पर हमें मेहनत करनी है समाप्त फरमाए कि अपना हर आमाल तोला जाएगा मीजान पर, है दुआ रब खातिमा सबका करे ईमान पर। मौत की मुश्किल घड़ी में काम आएगा तेरे, तू चला होगा अगर अल्लाह की फरमान पर, में तू हंसता जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम वफिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन नुखरा। फिर इसके आगे का क्या मरहला है समाप्त फरमाए
कि बाद मरने के तेरे। हमारे अकरम भाई मुशारा मीडिया ये प्रोग्राम कैच कर रहे हैं और मैं वजाहत करना समझता हूं, इस कलाम को मैं पेश कर रहा हूं। आज इस प्रोग्राम से कबल इसी दिन 2 मई गालिबन हुआ, एक बच्ची का इंतकाल हुआ और हमारे कन्वीनर साहब के वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ। अल्लाह पाक लवाहिकीन को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए और मरहूम को कब्र में करवट करवट जदा तसीफ फरमाए। जजाक अल्लाह। मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अभी तक मौजूद हैं, समाअत फरमा रहे हैं। आगे का मरहला क्या है, समाअत फरमाए कि मिन्हा खलकनाकुम के बाद मरने के तेरे अकरबा नहलाएंगे, कांपते हाथों से फिर ये कफन पहनाएंगे, आखिरी दीदार को आएंगे दिल को थाम कर, देख कर चेहरा सभी रोते रोते जाएंगे, गमज़दों के सबर का प्याला छलकता जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम अल्लाह 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 अल्लाह। और आगे का मरहला समाप्त समय देखेंगे असीफ साहब, फैसल नशीदी साहब से तवज्जो चाहूंगा कि बीवी माँ बेटी बहन सब का आंचल तर हुआ, बीवी माँ बेटी बहन सब का आंचल तर हुआ, आज घर मरहूम का है बना मातम कदा, अपने वाले तैन को बच्चे रोता देख कर सबीर कर पाए नहीं, रो पड़े बेसाखता, गम का सावन नन्ही आंखों से छलकता जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। फिर इसके बाद का क्या मरहला है समाप्त फरमाए के घर को आए हो के अफसुरदा खड़े सफों में सारे अकरबा, कोई हो छोटा बड़ा या कोई शाह हो गदा, खत्म कर देगा इमाम जब जनाजे की नमाज, कांधे पर ले लेंगे लोग हो के उनको गम सदा, फिर अंधेरी कब्र में उनको सुलाया जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। घर को आएंगे सभी दफन कर देने के बाद, लेकिन उस मरहूम की दिल से जाएगी न याद, लोग आते जाएंगे ताजियत के वास्ते, मौत का गम हो जहां कैसे होगा कोई शाद, बाप माँ भाई बहन दिल सबका रोता जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ कि एक नाते पाक चार मित्र के लुत्फ जन्नत शीशे का रास्ता निकाला है, हमने अपनी बख्शिश का रास्ता निकाला है, हमने अपनी बख्शिश का रास्ता निकाला है। और ये भी शेर समाप्त फरमाए कि जो भी एक नजर देखे देखता ही रह
जाए कि जो भी एक नजर देखे देखता ही रह जाए, जो भी एक नजर देखे देखता ही रह जाए, आमिना का शहजादा किस कदर निराला है, आमिना का शहजादा किस कदर निराला है। और आखिर आखिर में एक नाते पर अच्छा देखिए, आपने शुरू में कहा था मैं भूल गया, जो फरमाइश है चार मिसरे के भी पेश करते रहूं, समाप्त फरमा ले कि दुख दर्द अपने दिल के किसी से कहेगा कौन, आपसे में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन, होगी न तुम्हें तो लाएंगे भाई कहाँ से हम, और होंगे न हम तो फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन, आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। अब जाते जाते नाते पाके मैं दो तीन बंद पेश करके रुक सो कि जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया कि बागे जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया बागे जन्नत का वो हकदार हो गया, दुबली पतली दाई हलीमा की ओटनी दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेजी, दुबली पतली दाई हली माँ के ऊटनी दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेजी, आमिना का लाल जब सवार हो गया जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया। और ये भी बंद समाप्त मैं कि मेरे सरकार जब तशरीफ लाए कली कली खिली और फूल मुस्कुराए, मेरे सरकार जब तशरीफ लाए कली कली खिली और फूल मुस्कुराए, सारा संसार गुलजार हो गया जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया। और आखिरी बंद भी समाप्त फरमा ले कि तड़पे है दिल और दुखे है ये सीना, तड़पे है दिल और दुखे है ये सीना, आपके हिजर में शाह मदीना, अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया। मुझे याद आ गए चार मिसरे आज के हालात को सामने रखते हुए समाप्त फरमा ले कि फकत दो दिन का साथी है किसी पल मुंह फिराएगा, हमेशा आपके थोड़ी खजाना काम आएगा, कि फकत दो दिन का साथी है किसी पल मुंह फिराएगा,
हमेशा आपके थोड़ी खजाना काम आएगा। यही दस्तूर दुनिया यही दस्तूर दुनिया है, यही कानून कुदरत है। जो खाली हाथ आया है वो खाली हाथ जाएगा, जो खाली हाथ आया है वो खाली हाथ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।